ये तो अथक नहीं है, प्रधानमंत्री जी जानते हैं ना, ये उनका विशेषाधिकार है कि कब करेंगे विस्तार। मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं अपने आंख के और इलाज के लिए, तो कोई तथ्य नहीं है, कोई दम नहीं है, किससे परामर्श करेंगे किससे नहीं परामर्श करेंगे, ये सब उनका विशेषाधिकार है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और इसको लेकर अब गहमा गहमी जो है वो बढ़ चुकी है। ऐसे में जेडीयू के वरिष्ठ नेता मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है इस मंत्रिमंडल विस्तार पर, वो तो आपको सुनवाएंगे ही। लेकिन बड़ी खबर ये भी निकल के आ रही है कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली रवाना कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, तो क्या उनकी मुलाकात अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ललन सिंह जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद भी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस पर जरा सुनिए। देखिए, ये सब अटकलबाजी है और पता नहीं इस तरह की खबर कहां से चलती है, इस तरह के भ्रामिक खबर है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई दम नहीं है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं अपने आंख के और इलाज के लिए, अपना आंख दिखाने के लिए। और जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। प्रधानमंत्री जी कब विस्तार करेंगे, कब विस्तार नहीं करेंगे, ये और किससे परामर्श करेंगे किससे परामर्श नहीं करेंगे, ये उनका विशेषाधिकार है। उसमें उस उनके इस विशेषाधिकार को मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा से जोड़ना, ये पूर्णता भ्रामक है। जी को मैंने बताया कि जहां तक हम लोगों को जानकारी है, मुख्यमंत्री जी अपने आंख के इलाज के लिए वहां जा रहे हैं। भाई आपको हम बताए कि ये तो अथक नहीं है, प्रधानमंत्री जी जानते हैं ना, ये उनका विशेषाधिकार है कि कब करेंगे विस्तार, किससे परामर्श करेंगे किससे नहीं परामर्श करेंगे, ये सब उनका विशेषाधिकार है। उसमें कहां से आ गए मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा से उसको जोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं अपने कारणों से, और उनके कारणों से अपने कारणों से जोड़ के उसको समय के साथ जोड़ दिया और अपना अटकल लगा रहे हैं। ये सब अटकलबाजी है, तथ्य से परे है। हमने बताया कि ये प्रधान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किसको शामिल करेंगे किसको नहीं शामिल करेंगे। हमारी पार्टी का विशेषाधिकार होगा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी विचार करेंगे पार्टी से, पहले तो वो पार्टी तय करेंगे कि पार्टी को शामिल करना है, फिर उसके बाद वो परामर्श करेंगे पार्टी के नेताओं से, तो ये उसमें तय होना है। चर्चा तो कई तरह की होती रहती है, वो सब अटकल लोग लगाते रहते हैं, लेकिन उन अटकलबाजियों में कोई दम नहीं। तो आपने सुना ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार तो आंख का इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहा जाता है, लेकिन आप समझ सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इस बार जेडीयू की भी उसमें भागीदारी होनी है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतिम फैसला तो जरूर लेंगे। कई बार जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेषाधिकार है, ललन सिंह ने भी कहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी किसको नहीं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ पत्ते सामने खुल कर आते हैं और क्या जेडीयू भी इस मंत्रिमंडल में शामिल होगी। सस्पेंस बरकरार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद। ये तो अथक नहीं है, प्रधानमंत्री जी जानते हैं ना, ये उनका विशेषाधिकार है कि कब करेंगे विस्तार। मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं अपने आंख के और इलाज के लिए, कोई तथ्य नहीं है, कोई दम नहीं है, किससे परामर्श करेंगे किससे नहीं परामर्श करेंगे, ये सब उनका विशेषाधिकार है।